क्या नाम है आपका? नाम नहीं है आपका? छोड़ नहीं रखा गया आपका? छोड़ो यार, क्या कहा, छोड़ो यार नाम है आपका। नहीं खड़े हुए, खड़ा तो हूं यार। तो फिर खड़े होने में क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, बस गंदी बातें हम नहीं करते, हम शरीफ बच्चे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपका खड़ा हुआ है कब? पूछा अभी, तो आपने कहा आप खड़े हुए हैं। खड़े हुए ना, तो आप खड़े हुए ना, इसमें कौन सी गंदी बात है? जी मैं ही खड़ा हुआ हूँ। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मीमर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मानव है? मानव, मानव जी। वो मानव मैंने तुम्हें कोई मूवी में देखा था, कौन सी मूवी थी वो? मूवी आजकल मैं बना ही नहीं रहा, छोड़ दी मूवी बना, छोड़ दिया। धंधे जिसके अंजाम थे गंदे। नाइस। मैं तो कल पंजाब से आया हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ बहुत रश है, बहुत मस्ती हो रही है, सब दुनिया खुश है, बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पे। शिराज भाई, आप पहले भी वीडियो में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉकर्स के लिए कोई मैसेज दिया था? टिकटॉकर के लिए, और बिल्कुल मैंने स्पेशली आपको इधर देखा तो मेरे को मैसेज तो देना है लाजमी। और कोई मैसेज देना है आपने? एक और मैसेज देना है। अच्छा, आज हमारे शो में सवाल चल रहा है कि शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है सना जावेद से, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ यार। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं। शोएब मलिक को कांग्रेस बोल दें। कांग्रेस शोएब मलिक, मुबारकबाद जी आपको जी, बहुत बहुत मुबारक जी। मुबारक हो उसको, माशाल्लाह उसने शादी की है तो बस मुबारक हो, कर ली तो कर ली। हाँ जी जी, पता लगा हुआ है। मुबारकबाद देना चाहेंगे शोएब भाई को? मुबारकबाद दे देंगे जी, मुबारक हो शोएब मलिक को जी। और सना जावेद को भी मुबारकबाद दे दें। सना जावेद को भी मुबारकबाद जी। सही है, बेहतर है, चार शादियाँ हमें करनी चाहिए, हक है इंसान का। आप करेंगे दूसरी शादी? क्यों नहीं करेंगे, मिल जाएगा तो करेंगे इंशाल्लाह। मुबारक हो शोएब भाई आपको। पैसे वाले लोग कर सकते हैं भाई। मुबारकबाद देना चाहेंगे शोएब मलिक को? अल्लाह उनकी नई जिंदगी में कामयाबी लाए, खुशियाँ लाए। नाम है शोएब मलिक ने दूसरी शादी की है जी, उसकी माँ का बोझ। ऐसा हो तो नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि ये हो गया। नहीं, ये फेक है, क्योंकि वो सानिया मिर्जा खुद अपनी एक जात में खुद एक फिल्म स्टार है, और ये यहाँ से फिल्म स्टार है। और सानिया मिर्ज़ा मेरे ख्याल से बहुत समझदार औरत भी है, वो ऐसा ना उसके शौहर ने किया होगा ना उसने किया होगा। ये फैक है 100%। यहाँ पहली नहीं हो रही। हाँ सही बोल रहा है, यहाँ मेरे को तो मिल गई है, उसको तो वो भी नहीं मिल रही है। हाँ तो मम्मी को बोलो दूसरी करा देंगे। तो पहली नहीं हो रही, दूसरे कहाँ से करूँ? उसकी ज़िंदगी है, दूसरी शादी कर ली है तो वो उसका दिल कर रहा है तो सही है। आप करेंगे दूसरी शादी? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम मुकर गए। देखिए यार, ये डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर। वो लोग कर सकते हैं भाई, कर रहे हैं। ये आप सेलिब्रिटीज की बात आम आवाम के अंदर नहीं कर सकते। हमारी पहली नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? कोई दे ही नहीं रही अपनी। क्या नहीं दे रही? रिश्ता। तो आपको क्या लग रहा है क्यों हुआ ये सब? वो फाद मुस्तफ़ा का शो है, एक बोल शो भी है उसका, दानिश तैमूर का, वो भी ये लोग रिश्ते करवाते हैं। और जीतो पाकिस्तान वालों ने भी अब ये काम शुरू कर दिया। इन लोग का चक्कर चल रहा था पहले से। सरफराज ने भी टाका मारा हुआ था, मतलब कि शोएब भाई ने सना जावेद को ले गया कराची, फिर एक दवा दीवार से लग गया। भाई मुबारकबाद देता हूँ राइनो शोएब मलिक, सिंस 1999 और 2000 व्हेन आई वाज इन दुबई, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। शोएब मलिक और आप बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। व्हाट आई विल टेल यू, मैं क्या बोलूँ आपको। आई आल्सो play cricket that time 1977 to 70. Oh my God, are you fucking serious about it? Yes, why not? क्यों नहीं दे रहे रिश्ता? क्या लग रहा है कि मतलब आपको क्यों मना कर दिया जाता है? उनको लगता है लड़का उसकी फाड़ देगा। मतलब कौन से अपने अंदर का राक्षस दिखाते हैं उनके घर वालों को कि वो डर जाते हैं? बस पता नहीं, उनको बाल दे के गुस्सा चढ़ जाता है। What's your name by the way? जुनेद, मोहम्मद जुनेद। मोहम्मद जुनेद, ये आई हैव हर्ड दैट नेम कि ये 1990 में कोई मोहम्मद जुनेद खेला करते थे। 79 आई एम सॉरी। अच्छा, ये नहीं पता कि सानिया मिर्जा के साथ क्या हुआ। मैंने सुनने में आया कि सानिया जो है वो खुला ले रही है। खुला ले रही है, शायद ले रही हो, लेकिन मुझे इस बारे में मैं यही कल से सोच रहा था। मैंने बोला सानिया का क्या बना? सानिया के लिए परेशान हो गए आप? ये बहुत ही अच्छा लगा है, दूसरी शादी की है। इस्लाम में तो दो जायज़ हैं, चार जायज़ हैं। सना जावेद से कोई शिकायत है आपको? क्या शिकायत है, मैं भी तो कुंवारा था, मुझसे कर लेती मैंने, मैं क्या कमी है जो शोएब मलिक में नहीं है। क्या नाम नाम है? अजब अजब अजब। शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है, तो भले तीसरी करे, हमें कौन सा उसमें रोटी देनी है। शोएब मलिक को मुबारकबाद देंगे? नहीं नहीं, हमें किसी को नहीं कुछ देना। क्यों नहीं देते आप? अरे हमें जरूरत नहीं है, अपना कमा के खाते हैं, कोई बहुत हमें नहीं देता। उसकी हिम्मत है, आपकी नहीं है। मैं किसी से थोड़ी शादी कर सकता हूँ, अगर वो चाहेगी तो वो मुझसे शादी करेगी, मैं उसके पीछे पीछे थोड़ी घूम सकता हूँ। मतलब आप सख्त लोंडे। सख्त लोंडे क्यों, मैं पूरा इंसान हूँ, सख्त लोंडा क्या होता है। उसने तो फिलहाल अच्छा नहीं किया है, लेकिन बस नसीब की बात है, उसको मिल गई। आप कितनी शादियाँ करेंगे? मैं तो 4 करूँगा या 5 करूँगा। 4 शादियाँ ये लड़कियों से करेगा नहीं, लेकिन लड़कों से करेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप 4 शादियाँ लड़कों से करेंगे? जी बिल्कुल, लड़कों से करूंगा। फिर हम क्या करें उसमें? मुबारकबाद दे दें। उसने कौन से हमारे लिए शादी किया, अपने लिए किया? तो मुबारकबाद भी नहीं देंगे आप? क्यों देंगे, हमारे लिए भेजेंगे तो हम मुबारकबाद दे देंगे। मतलब वो आपके लिए क्या भेजे? ये एक जो पहला बीवी का बेटी है वो मेरे को देवे। लेकिन ये तो यार हमारे वो हैं, इनको अगर इनके बोलूँगा शोएब मलिक के तो मुबारकबाद देंगे ना आप। चलो भाई मुबारक हो, बाकी ये है कि नो कमेंट्स इनके भाई, कुछ नहीं, ये हमका अपना पर्सनल मैटर है, अब हम क्या बोल सकते हैं। आपका पर्सनल मैटर क्या है, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, जब एक से ख़त्म हो गई तो दूसरा ऑप्शन तो है ना। अच्छा, सरफराज भाई भी सना जावेद के चक्कर में थे। बस ये बात अंदर की बात है, बहुत ऐसा क्या है सना जावेद में कि ये सारे क्रिकेटर्स पागल हुए जा रहे हैं? वो जो आप में नहीं है वो उसके अंदर है। नहीं, आपने तो खतरनाक दे दिया यार, वाकई मीमर हो आप। नहीं नहीं, कसमें सच्ची में, जो आप में नहीं है वो उसके अंदर है। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है ना जी। और शोएब मलिक को यूज पिच मिली है, हमेशा की तरह यूज पिच जी। मामो तेरा बहन के चौदह। इन सही बंदे नहीं बोला, ये सही बंदे शोएब मलिक, सना जावेद, ये सही। हमारे इनके खिलाफ बोलूंगा ना तो बात पता है क्या है, हमारे ये पाकिस्तान की शान है, अभी भी है। कंप्लीटली मेकिंग सेंस। लेकिन आप क्या सोचते हैं, दूसरी शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शादी तो वैसे एक ही करना चाहिए, दूसरी नहीं करना चाहिए। दूसरे पैसा ज्यादा हो तो फिर करना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो एक बहुत है, अगर पैसा है तो 2 कर लो। 2 कर लो, 4 चाहे 8 कर लो, बंदे का कोई मसला नहीं है। 8 कर लो, हाँ क्या है फिर। जायज तो 4 नहीं है, वैसे 7 है, जायज तो 7 ही है, 7 भी कर लेता है बंदा। 7 जायज है जी जी, ठीक है। आप दूसरी शादी करेंगे? जी दूसरी शादी करेंगे आप? जी 2 मैंने किया, 2 हुई हुई आपकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आपका क्या इरादा है? हमारा तो इरादा अभी 3 शादियां करने का है। 3 शादियां करने का। अभी तक कितनी हो गई हैं? अभी तो 1 हुई है फिलहाल, माशाल्लाह 1 हो गई है। 1 हो गई है। आई एम पाकिस्तानी, मैं डरता नहीं हूँ, छोटे मोटे पंगों में मैं पड़ता नहीं हूँ। पहली तो हो जाए, यहाँ 1 नहीं मिल रही, तुम दूसरी की बात कर रहे हो। मोबाइल में 636 नंबर है, बच्चियों के एक बात नहीं करती। कोई तो होगी 636 में जो तुम्हें पसंद करती होगी। सारी ऐसी हैं, इवेंट में नंबर लेती हैं, बोलती है पिक्चरें भेज दो, उसके बाद ब्लॉक। कभी अपनी तस्वीर भी भेज दिया करो उनको साथ में। एक को भेजी थी गलती से, वो उसने मेरी तस्वीर पहली देखी, ब्लॉक कर दिया, अपनी तस्वीरें भी डाउनलोड नहीं करी। मिकाइल तुम तो फाड़ लो, यहीं पे ही पता चल रहा है, मुझे पता लग गया कि मिकाइल फाड़ देगा। ये जो टिकटॉकर है ना, ये सारे बैंक उसने इनकी बात ना करें आप। ये जो पिल्ले के हिसाब से ये बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों के, पिल्ले का मतलब मेरे को शक्ल ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ साफ करने वाला रेजर नहीं होता, वो किसी ने पेड़ में टांगा हुआ है, ठीक है। अभी ये गुटखा खाता है, क्या खाता है, वीडियो में बनाता है, वो लाखों लोग देखते हैं, माहौल खराब होता है ना इससे। अच्छा, इस वक्त लाखों लड़कियां तुम्हें देख रही होंगी, मेरा मुंह है ना, सुनो तो सही। इनमें से कोई एक ने भी अगर तुम्हें पसंद कर लिया तो अपनी कोई खासियत बताओगे कि एक लड़की को तुम्हें क्यों चुनना चाहिए? इतना टाइम नहीं है, सॉरी, बिला वजह क्यों किसी को तंग करे। कौन मोबाइल में पूरी रात लगा रहे, चुट्टी पे चक्कर इधर उधर, क्या बात है। मोबाइल में लगे रहे ना, चुट्टी पे चक्कर, बेशक सही है। अच्छा जुनेद भाई, आर यू मैरिड? मिलियंस टाइम। आपने सच पूछा तो सच बताया। ये आई एम अमेज्ड एंड आई एम सरप्राइज्ड अबाउट इट। क्यों, कैसे? इसलिए कि 17 इयर्स मैंने पानी के जहाज में काम किया है। देन आई स्लिप इन दुबई, तुफैन तुफलंगलो, एट लास्ट द अमेरिकन शिप था, उसमें काम किया था। शादियाँ कर रहे थे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डियर। राजा जी। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, दूसरा वो पोयो वो तो बहन को उसको नहीं दे रहा गाली बहन पे, लेकिन वो बहन ऐसे है कि जैसे किसी ने 5 स्टार होटल पे ना पान की पीप फेंकी हो, बहन वो ऐसे है। और अभी इनको मैं क्या बोलूँ ना, खासियत यही है कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ सकता हूँ। बस कब उड़ते हैं? और रात को अंधेरे में किसी को नजर नहीं आता उड़ता हुआ। कंबल में उड़ रहे होते हैं। हाँ, कंबल में उड़ रहे। समझ गया हूँ, मैंने पकड़ लिया। आप बिल्कुल सही जगह पकड़े हैं। शादी भी जोर से आ रही है आपको, जोर से आ रही, उड़ता भी हूँ, कंबल भी उड़ रहा है। सब ये एक आंख, ये क्या सीन है मानव? एक नहीं है, एक ही आंख पीछे भी है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। मैं तो समझा दज्जाल आ गया मैं 1 मिनट के लिए। खैर, तीसरा वो क्या कहते हैं, चाहत फतेह अली खान। बस मैं इसको क्या बोलूँ, अब अभी उम्र में बड़ा निकल आया है, ठीक है। इसको बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं लोड है। अबे मेरे लंच से क्या मतलब, मेरे को तो पता ही नहीं है इसका। बहरहाल जो है, आपका नाम क्या है भाई? अली। और आप कैमरा मैन? हादी। अली और हादी की यारी है हीरा, टिकटॉकरों की गांड में पिसा हुआ जीरा। बहुत जबरदस्त शिराज भाई, बहुत जबरदस्त। मुझे ये बताएं, कौन सा कीड़ा होता है टिकटॉकरों के अंदर? मेरे को यार बड़ा कुछ कहना है, लेकिन अभी माँ बहन पे इनके जाता नहीं। इनके गांड में एक कीड़ा है, उसकी गांड भी एक और कीड़ा है, और उसकी भी एक पेट में अंडा बच्चा है। आई छिड़ने तेरे उत्तो सोने आई छिड़ने तेरे। जुनैद भाई, how many girlfriends you had? अभी तो बोलते होगा, क्या बताएं। Had before? Maybe 40-45. Fucking shit, जुनैद भाई, you were a player man. मैं आइन लिखूं तू सोचे मुझे, मैं शीन लिखूं तुझे कुछ हो, मैं काफ लिखूं तेरी नींद उड़ जाए, मैं इश्क लिखूं और तुझे मुझसे हो जाए। कभी इश्क हुआ है आपको? इश्क हुआ, मोहब्बत हुई, लेकिन जो है मोहब्बत तो मिली लेकिन जगह नहीं मिली। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमारे शो में चल रहा है वो ये है कि अगर आप एक दिन के लिए गायब हो जाएं, इनविजिबल हो जाएं, किसी को नजर ना आए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्त की बच्ची के पास जाऊँगा। की बच्ची के पास जाएंगे, उसको तो आप नजर नहीं आ रहे हैं, फिर तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके साथ सब होगा जो होना है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त की शादी पे घुस जाऊंगा, उसके कमरे के अंदर घुस जाऊंगा बारात की रात को। जैसे वो लोग घर पर आएंगे ना, रुखसती के बाद जो भी होता है, उसके बाद मैं उसके कमरे में जाके सोफे पे बैठ जाऊंगा, फिर सुबह बाहर आ जाऊंगा। मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा। नहीं बताना नहीं चाह रहा मैं क्या करूँगा, कैमरा वरना मैं बता, कैमरे में ही तो बताना है मानव। क्यों होना ही क्यों है इनविजिबल? नहीं, आपको वरदान मिल गया है एक दिन के लिए इनविजिबल होने का, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसी को सना जावेद के पास ही जाऊंगा। मैं भी क्या करेंगे उसके पास जाके? उससे पूछूंगा हमें क्या कमी थी, पूछूंगा ना। ये तो नजर ही तो नहीं आओगे ना तुम उसको उस वक्त, फिर आवाज़ तो आएगी ना मेरी। मैं भूतिया तौर पर पूछूंगा ना उससे, भूतिया तौर पर उसको चूतिया बना देंगे। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपने माँ बाप को तंग करना है। अपने माँ बाप को तंग करेंगे, गायब होके खुदकुशी कर लूंगा। सही बात है, यानी दूसरे दिन नजर आ जाओगे, एक दिन के लिए गायब हुए हो, क्या करोगे एक दिन में? अच्छा हाँ, शिराज भाई एक और सवाल है आपसे। आज जो हमारे शो में चल रहा है, मिस्टर इंडिया मूवी देखी है आपने? मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर। हाँ, बैंड का। शिराज भाई, अगर आप एक दिन के लिए मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाए, किसी को नजर ना आए, तो आप क्या करेंगे? मैं लोगों की गांड उंगली करके भाग जाऊंगा। मैं क्या क्या ना कर जाऊं, फिर तो मेरे ऊपर है। बता दें कुछ, एक बता नहीं सकता मेरे भाई, कोई एक नहीं। सबसे पहले सिस्टम को सुधारूंगा। अरे जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? मैं सबसे अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो आप दोनों हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनमें खुद आप सवालात करके उनको उजागर कर रहे हैं, उनको बैकग्राउंड स्टोरी में लेके जा रहे हैं। दैट इज़ मोर गुड। टिकटॉकरों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई गालियां देना चाहें? बहन के लोग सुधर जाओ, बच्चों इंसान के बच्चे बनो, तुम जियो मिकाइल जियो, तुम शहजादे हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एक दफा कह दें, अली एजाज को सब्सक्राइब, अली एजाज को करो सब्सक्राइब, अली एजाज को करो सब्सक्राइब। एक दिन के लिए हो जाओ गायब, एक दिन के लिए हो जाओ गायब। जी बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। बिगड़ गया मिजाज क्यों, दिलों का रंग एक है, दिलों में प्यार क्या तुम्हें, उन्हीं तो थे सारे भेद खुल गए अपनी बात।